मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं दिल्ली में, मेरे ख्याल में तो क्या कहते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद जो इनकी राय क्या है और ये वोट किसको देंगे, कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी दो नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। तीन नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात, अब तक जो भी मुसलमान था आज से पहले 2014 में जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास, फिर इस बार मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब वो क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते हैं, तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट। प्रधानमंत्री को जो विश्वास है ना, विश्वास किस वक्त होता है कि जब कोई काम करा करता है, और प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए कितना काम किया है, इसीलिए वो अपने उस पर नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं 2024 में नहीं 25 में भी 26 में भी 27 में 28 में 29 में भी इसी प्रांगण से, आप ये देख लीजिए झंडा दिखा दीजिएगा, आप यहीं से अगर कोई झंडा ले रहा है तो मेरे देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी होगा। राहुल जी का नंबर कब आएगा फिर? अभी इंतज़ार करें। अभी तो क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा अच्छा शेर था वो मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। दीजिए अब लेकिन मुंह पे आई बात नहीं रोकनी चाहिए। अभी बस चलें उसको सरल शब्दों में मैं कह देता हूँ मैं कि अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली जो है ना बहुत दूर है, आप अपनी यात्रा जारी रखें, कहीं ना कहीं ये जो यात्रा जारी रखे हुए हैं अभी इस यात्रा को और लंबा होने दें, इसको 5-6 साल और खींचने दें, उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि देश की जनता आपका आकलन करे, नहीं तो अभी देश की जनता पर आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, अभी आप यात्रा अपनी जारी रखें। तो दिल्ली दूरस्थ यानी ये फारसी में कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली की गद्दी की तरफ अभी ख्वाब ना देखें भाई, अभी काम करें देश के लिए, अभी लोगों के मन में विश्वास पैदा करें। देखिए जो वहाँ के हालात हैं इस वक्त कश्मीर के, ये आवाज़ हम लोग तो उठाते रहे हैं लेकिन ये आवाज़ वहाँ की आवाम ने, पाकिस्तान की जनता ने भी आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने भी आवाज़ उठाई है कि वो हमारे साथ आना चाह रहा है, उनसे उन्होंने हमसे मदद मांगी है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के वज़ीर आज़म जिस तरह से पूरी दुनिया में विश्व गुरु होने के नाते लोगों की मदद करते हैं, तो वो कश्मीरी भाई बड़ी नज़रों से, बहुत नज़रों से यहाँ की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, तो हम उनको मायूस नहीं होने देंगे। ये इस लाल किले के प्रांगण से सिर्फ और सिर्फ ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि मेरे देश के 29-25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है, और उसी के साथ 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज़ है कि हम जो हमारे भाई सरहद पार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ मिलाकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि उन मुसलमानों की आवाज़ है, मुसलमान तो कुछ ऐसे भी है जो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपने देखा यूपी में तो झंडा ही लहरा दिया, उस प्रेम के पीछे जो आज भी उनके लेकर प्रेम है उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए जो भी इस किस्म की मानसिकता है उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहराता है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से खींच कर उस सरहद में डाल देना चाहिए, उसके लिए उससे बड़ी सज़ा नहीं होगी। 1947 से पहले जो काले पानी की जो सज़ा दिया करते थे, आज किसी को अगर पाकिस्तान भेज दो तो उसके लिए वो सज़ा उस काले पानी से ज़्यादा खतरनाक सज़ा होगी। आप तो कह रहे पाकिस्तान को यहाँ ले आओ फिर कह रहे पाकिस्तान ना, सज़ा के लिए कह रहा हूँ, सज़ा के लिए आप सुने मेरे पास कि काला पानी अगर कहीं कोई है इस वक्त, अगर काला पानी कोई है तो वो उस देश का नाम पाकिस्तान है। तो मोदी जी से उम्मीद लग रही है पीओ के ले पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी तो कह रहे चाइना से, तो वो डरते हैं क्या खाक पीओ के लेंगे। देखिए 100%
राहुल गांधी जी को तो अपनी सत्ता जो है वो अपनी कुर्सी नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। 15 साल से ज़्यादा संघर्ष करते करते हो गए भाई, अब ये देश की जनता ने और भली भांति समझ लिया है, ये देश उन 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 राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं देना जिनकी पुश्तें यहाँ पर राज करती हैं। ये इस देश पर राज करेगा एक चाय बेचने वाला, इस देश पर राज करेगा जो इस देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रधान सेवक, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। जुड़ तो अब राहुल गांधी भी गए। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, कीर्ति नगर मार्केट जाके लकड़ी बनाना, मेज बनाना, सामान ढोना, इतना कुछ तो सीख रहे हैं, लोगों के मन की बात समझ रहे हैं, आप कह रहे कि कुछ जमीन से जुड़े हुए नहीं है। अब पछतावत क्या होवत है जब चुड़िया चुग गई खेत। ये तमाम चीज़ें तो मोदी जी ने पहले ही कर दिखा दी बहुत पहले, जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। अगर ये काश 25-30 साल पहले उसी वक्त कर लेते तो शायद इनको कुछ मिल जाता, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि अलावा ढकोसले के दिखावे के कुछ और नहीं है उनके पास ना। कीर्ति नगर मार्केट में जाकर लकड़ी का रंधा चला लेना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, फोटो सेशन हो रहा है ना। कहीं 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 सब्जी मंडी जाकर मज़दूरों के साथ बैठ कर बात कर लेना, कुछ नहीं, फोटो सेशन है भाई। अगर वाकई इतने आप थे, तमाम चीज़ें जो मेरा प्रधान सेवक देश के लिए करता आया है उसको देख कर कहीं ना कहीं कर के शायद इस डोर को पकड़ के मैं उस भारत की कुर्सी पर उस अहम कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है अब इस तरह के छलावे में और इस तरह के छल में कभी नहीं आएगी। लाल किले के प्रांगण में खड़े हुए हैं, दिल पे हाथ रख के बोलना मोदी को वोट देंगे नहीं देंगे, केवल झूठबाजी ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी दो नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा, तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। तीन नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात, अब तक जो भी मुसलमान था आज से पहले 2014 में जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास, फिर इस बार मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब वो क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते हैं, तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट करेगा। अपनी जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं कि वोट देगा। अरे 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 कमाल की बात है, क्या तो घर घर में नेतागिरी चल रही है, बाप बेटे की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता। बहुत शानदार बात कही है। जिस वक्त हवा चलती है ना तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, कोई ज़्यादा हिलते हैं कुछ कम हिलते हैं, अगर हवा नहीं चलती ना तो कोई पत्ता नहीं हिलता। हम लोग ज़मीनी लोग हैं, लोग हमसे आकर जिस वक्त कहते हैं ना अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, कोई चुनाव नहीं चल रहा, और यहाँ पर जो ये जो हज़ारों का मजमा जमा हुआ ना इस लाल किले के प्रांगण में किस मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे को लेकर, यानी उनको इस देश के मुसलमानों को देश के वज़ीर आज़म पर पूरी तरह से भरोसा है, तो यहाँ पर जमा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग जब जिस वक्त ज़मीन पर जाकर बात करते हैं ना तो लोग हम बिना वोट, क्योंकि अभी वोट का सीज़न नहीं है, हमसे जब खुद आकर कहते नहीं यार इस बार तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देना है, पसमानदा का मुद्दा किसने उठाया अब तक, पसमानदा की बात किसने करी है, मेरे प्रधानमंत्री मेरे वज़ीर आज़म ने पसमानदाओं की बात करी है। हैं अगर 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 कहीं किसी को गैस कनेक्शन मिला है ना तो वो धर्म देख कर नहीं मिला है, अगर कहीं बिजली कनेक्शन मिला है ना तो वो धर्म देख कर नहीं मिला है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी को लाभ हुआ है ना तो उसमें धर्म नहीं देखा गया है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ है तो मेरे इस देश के मुसलमानों को इसका फायदा पर हुआ। बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कह रहे कि बुलडोजर तो धर्म देख के चलता है, अगर लिखा है तो अब्दुल बुलडोजर चल जाएगा, अगर लिखा है तो मोहन बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बात सही गई है। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो विकास दुबे कौन था जिसकी गाड़ी पलटी थी। हैं भाई बुलडोज़र जिन पर चल रहा है वो ऐसा नहीं, अगर कहीं ना कहीं कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस कानून को कानून के तहत वो उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है और वो कोई धर्म नहीं देख रहा। अगर वो चल रहा है अब्दुल के पास तो मोहन पर भी चल रहा है। जिसने भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन किया, आज आप एक आम आदमी से बात करो, गुंडाई बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दी गई है। ये जो आम आदमी खड़ा है ना यहाँ पर, ये क्या चाहता है?
कि अच्छी तरह से सही सांस ले सकें। और हर समाज के अंदर बुरे लोग होते हैं, हर समाज के अंदर गुंडे होते हैं, तो मोदी ये जो मोदी सरकार है, ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, किसी समाज विशेष के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडे ही के खिलाफ है। गुंडा जो भी होगा, बदमाश जो भी होगा, मवाली जो भी होगा, सज़ा उसको मिलेगी बिना किसी धर्म देख कर। तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है मुसलमान तो हमें छोड़ कर नहीं जाने वाला, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं मुसलमान हमें नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़े भरम में, बहुत बड़े भरम में अभी देख लिया उन्होंने कि मुसलमानों के लिए किस तरह से किस किस्म की आवाज़ें उठाई हैं, किसने उठाई हैं। अब दम नहीं है इन लोगों में। ये जो अपोजिशन बैठी है ना, ये सिर्फ नाम की अपोजिशन है, नाम की अपोजिशन। प्रधानमंत्री फैल साबित हो पाए या पास साबित हो पाए, जुमलेबाजी हुई, विकास हुआ, धरातल पे काम हुआ या नहीं हुआ। बहुत बहुत अच्छी बात की कि प्रधानमंत्री का रिजल्ट कार्ड क्या क्या रहा। प्रधानमंत्री ने किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अगर बात करी तो 140 करोड़ भारतवासियों की बात करी। प्रधानमंत्री ने अगर बात करी है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली बात करी है। उन्होंने ये नहीं कहा सबका साथ और सिर्फ हिंदू समाज का विकास, ऐसा मेरे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने पहली बार इस लाल किले के प्रांगण से अगर मेरे प्यारे देशवासियों कर अगर किसी ने संबोधित किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों या मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों या मेरे प्यारे सिख भाइयों या मेरे प्यारे जैन भाइयों, उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवार वालों। तो ये प्रधानमंत्री ना वसुदेव कुटुंबकम, ये किसी और ने नारा नहीं दिया, ये किसी और ने नारा नहीं। तो ये भी कहा कि 2024 में मैं फिर लाल किले से भाषण दूंगा। इतना विश्वास प्रधानमंत्री को कैसे है कि 2024 में उन्हीं की सरकार आएगी? प्रधानमंत्री को जो विश्वास है ना, विश्वास किस वक्त होता है कि जब कोई काम करा करता है। और प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए कितना काम किया है, इसीलिए वो अपने उस पर नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं 2024 में नहीं, 25 में भी, 26 में भी, 27 में, 28 में, 29 में भी इसी प्रांगण से। आप ये देख लीजिए, झंडा दिखा दीजिएगा, आप यहीं से अगर कोई झंडा ले रहा है तो मेरे देश का प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी होगा। राहुल जी का नंबर कब आएगा फिर? अभी इंतज़ार करें। अभी तो क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा अच्छा शेर था वो मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। दीजिए अब लेकिन मुंह पे आई बात नहीं रोकनी चाहिए। अभी बस चलें उसको सरल शब्दों में मैं कह देता हूँ मैं कि अभी दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली जो है ना बहुत दूर है। आप अपनी यात्रा जारी रखें, कहीं ना कहीं ये जो यात्रा जारी रखे हुए हैं, अभी इस यात्रा को और लंबा होने दें, इसको 5-6 साल और खींचने दें, उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि देश की जनता आपका आकलन करे। नहीं तो अभी देश की जनता पर आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अभी आप यात्रा अपनी जारी रखें। तो दिल्ली दूरस्त यानी ये फारसी में कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली की गद्दी की तरफ अभी ख्वाब ना देखें भाई, अभी काम करें देश के लिए, अभी लोगों के मन में विश्वास पैदा करें। चलन जी वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब ये बंदा तो मुझे हिला हुआ लगता था, राहुल गांधी के बारे में गलत तनाव शनाव बोल रहा था, यात्रा को भी उत्तर और को दूर कह रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा इस 2024 में ही रंग लाएगी भाई साहब, ये दूर नहीं है। ये 2024 में प्राइम मिनिस्टर तो राहुल गांधी बनेगा, जैसे पाकिस्तान का इमरान खान बना। अपोजिशन का है जो राहुल गांधी की जो मेहनत है ना भाई, उससे सीटें बढ़ेगी पिछली बार की, दो चुके सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे तो नहीं बढ़ेगा। जो पहले जहाँ पर हुकूमत थी वहाँ पे गवाही है दो सीटों में। हाँ उत्तर आता राजस्थान पहले से ज्यादा ले जाएगी, और ऐसी ऐसी सीटें लेगी जहाँ मोदी की सोच भी नहीं होगी वहाँ राहुल गांधी जीत जाएगा, और राहुल गांधी की ऐसी सीटें होगी जहाँ वो मोदी जीत जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी कांग्रेस की सरकार होगी है ना। जब मुकम्मल डाटा आगे ना तो फिर पूरी हिस्ट्री देख लेना कौन कहाँ से जीत। सात चक्कर लगाते है ना शादी के लिए, शादी के लिए सात चक्कर था उस वक्त बंधन बन मजबूत होता है। तो राहुल गांधी को भाई साहब सात टर्न इस तरह के चक्कर लगाने पड़ेंगे, यात्रा निकालनी पड़ेगी एक मरतबा हो गया। सात साल नहीं, अगले इलेक्शन में फिर से 5 साल बाद लगभग
ये मजाक है, मजाक ऐसा मजाक। आवाम कुछ भी कर सकती है, एकदम ये बीजेपी खत्म और राहुल गांधी का पैसा की यात्रा करनी पड़ेगी। आवाम जब चाहेगी ना, जिसको पलटा तक तक जाए पड़ सकती है। अच्छा बीजेपी आवाम को सुनते नहीं दे रही है, सुनते दे रही है अंदरों अंदर जो काम हो रहा है भी आवाम की नजर में है, उनके खिलाफ जाएगी। अंदरों अंदर जो सिख ईसाई मुस्लिम के साथ हो रहा है वो भी आवाम भूली हुई नहीं है, वो एकदम ही तक पलट सकती है। ये भी अच्छा, ये इंटरव्यू कौन दे रहा है? ये इंटरव्यू एक डरा हुआ शख्स दे रहा है। इसके चेहरे पर भी नजर आ रहा है मोदी का खौफ है, योगी का खौफ है, अमित शाह का खौफ है। ना ये खौफ था, ये खौफ था चेहरे पे पड़ना था। सही बात है, और दिख रहा था। नहीं वो तो अच्छा, वो तो तीन नस्लों का बोर है, मेरी तीन नस्लें वो तीन नस्लें से खुद को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ इस बंदे को कैसे ये लॉलीपॉप ये चूरन बेच रहा है। लाल किला का बता रहा था बार बार, झंडा तिरंगा भी दिखा रहा, वो इतना बड़ा था इसलिए उसको नजर आ गया, वरना नहीं आ रहा था। अच्छा, इसकी तागे वो इधर मेजॉरिटी में मुझे तो मुसलमान ही दिखाई दे रहा था, मुस्लिम भाई। ये जब कोई बंदा डरा होता है, खौफ होता है, वो वही बोलता है, वो शहर से दूर भागता है। किधर जाए, पूरे मुल्क में तो हिंदुइज्म है, 90% कौन है हिंदू ही, सारा मुल्क में हिंदू हिंदू तो है। उनका खौफ आरआरएस का खौफ है पूरे मुल्क में, वो मुसलमान बेचारे सांस नहीं खुल कर ले सकते, फलस्तीन की आवाज नहीं उठा सकते। अच्छा सारा कुछ बाहर कह रहे हो, उनके अगर निजात है तो फलस्तीन की आवाज मोहम्मद शामी को सजदा नहीं करने की इजाजत हुई, वो बेचारा नीचे घुटनों पे गया और सजदा की हालत में जाकर फिर रुक गया। क्यों? ऊपर से वो जो साथी खिलाड़ी थे वो आ गए, उधर सजदा नहीं किया गया। क्यों? सजदा खौफ था, खौफ था। सजदा कर लेता तो क्या आईसीसी का खौफ रहता। आईसीसी कौन है? कौन है आईसीसी? आईसीसी मुसलमानों के ऊपर बीजेपी का खौफ है। चलो वो सारे ये काट देते, ये जो जितने बंदे मुसलमान वोट की बात कर रहे जो भी कर रहे, यकीन माने इंडिया में जितने मेरे भाई पे शक मेरे खिलाफ कर भी कौन सा मेरा साथ देता, मुझे साथ की जरूरत भी नहीं किसी की। बीजेपी का, योगी का, अमित शाह का, इसीलिए खुल के कोई भी बात नहीं करता क्योंकि उनका दबदबा रो भी इतना ऊपर। अच्छा तू बोल 90% जो है ना हिंदू भाई में, सबसे ज्यादा इंडिया में हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई ये वोट ना भी दे तो बीजेपी फिर भी जीतेगी। बीजेपी नहीं जी सकती अगर सिख मुसलमान ईसाई एक साइड हो जाए तो। 25 करोड़ मुसलमान है, सोचे तेरी 25 करोड़ ईसाई भी है, वोट लेने के लिए कितने चाहिए? 90% मुसलमान वोट। हिंदू मैं तुझे दिखाता हूँ, लाखों की करोड़ों की तादाद में हिंदू मोदी के खिलाफ गाली भी बकते हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ। इमरान खान की तरह मोदी को गाली नहीं निकलते, मैं दिखाता हूँ कितने एंकर है, कितनी मीडिया है। यार यही तो मैं बात तुम्हारी क्लियर करना, जब इमरान खान की बात आती है आपका तो देखो मीडिया वाले क्या कह रहे, क्या खिलाफ है। अच्छा, ये अपोजिशन के खिलाफ भी होती है, हुकूमत के खिलाफ भी होती है। जो 90% हिंदू है वो आरआरएसएस है, आरएसएस जो है एक तंजीम है इसका डाउन, जिसका फैसला मौजूदा 2024 में आप जो स्टार होने वाला है, और पहले भी वो अकेला बंदा वायद है वो नरेंद्र मोदी है, मोदी साहब उसको लीड कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि मोदी काम नहीं कर रहा, मोदी की वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, वो सब कुछ वाकई हो रहा है, हकीकत में दुनिया सारी देख रही, लेकिन मेरी बात भी सच है कि इस हुकूमत का खौफ हिंदू सॉरी मुसलमान सिखों के ऊपर और जो ईसाई उनके ऊपर है, वो बेचारे घर से बाहर नहीं, और मैं इसका डाउट घर से बाहर निकलती है, लेकिन वो खुल के कोई लफ्ज इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। जो बोलेगा उनके साथ वो होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है भाई साहब, जो बंदा आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो इंडिया में सरकार के वो बेचारे हाथ मार कर चुके हैं, वो इसीलिए बोलते हैं जब मरना तो है, पहले भी तो मर ही रहे हैं, इसीलिए भाईजान वो कहते हैं चलो नारा मार मार भी दे फिर भी तो मरने मौका दिया आपका, कोई माने तो माने
हुकूमत अच्छी है, तरक्की इंडिया कर रहा है, इस हुकूमत में बीजेपी में मैं भी खुश हूँ, लेकिन मेरी बात भी सच है, खौफ जरूर है, बहुत खौफ सिखो आपका डाउट मैं भाई साहब क्लियर करता हूँ। और जीती जागती मिसाल वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में दो फैमिलियां राज करती रही, कर रही है अभी। आज हम किसके पीछे लगे हैं? किसके पीछे? इमरान के पीछे। नहीं नहीं नहीं, क्यों? जीती जागती मिसाल ये नहीं है, सारे इमरान खान के पीछे क्यों लगे हुए? क्योंकि दो फैमिलियां पीछे से उन्होंने पाकिस्तान का सरनाश कर दिया। ऐसे उधर भी है बढ़ाया। ये कागज में क्यों नहीं था? ये कागज में क्यों नहीं था? ये अडानी चोर भी है, ये चकट्टा भी है, ये डाकू भी है, ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ वाला बंदा है। बीजेपी के दौर में ये आया है और ये अमीर हुआ। इसको स्ट्रोक किसने किया? बीजेपी ने किया है। अच्छा किया है। इसमें गलत क्या है? गलत ही नहीं अभी तक कुछ लग रहा है। जिस तरह मलिक राज की मदद की जाती है इधर, मियां वंशा की जाती है खूंटों में, इसी तरह गांधी को सपोर्ट किया मोदी साहब ने। क्यों करते हैं? क्यों करते? सारा पैसा मोदी साहब की निकलेगा जब हुकूमत चलेगी। ये सबसे बड़ा बिजनेस मैन गांधी ने, मोदी साहब निकलेंगे जब हुकूमत में नहीं रहेंगे। याद रख ले, आज कोई भी नहीं बोलेगा, जिस दिन हुकूमत चली जाएगी उस दिन ये पोर खुलेंगे। कितनी भी अच्छी हुकूमत कर रहा है, जिस दिन मोदी साहब नहीं रहेंगे हुकूमत में उस दिन सब पोल खुलेगी। किसी तरह नवाज शरीफ जरदारी के जाने के बाद पता चला, भाजपा के जाने के बाद पता चला। अडानी से जलता है? इस मैं क्यों जलूंगा? मैं उससे लेके खाता हूँ, मैं उसका बिठाया बैठा हूँ, मैं उसको बिठाया बैठा हूँ, लेके खाता हूँ। मेरी जाने बुलाया अडानी कौन है? मैं अडानी को जानती ही नहीं। कौन अडानी है? अडानी मेरे लिए कोई अडानी शडानी नहीं है। पता नहीं कौन खुबानी है इसके लिए सिर्फ अडानी है जिसके पास कोई पैसा। मैं तो ठेंगे में समझता हूँ अडानी जैसे को, मेरे पास से कोई अडानी नहीं। जो कुछ भी मैं, जो कुछ अल्लाह ने दिया मैं खुद हूँ। नहीं, क्या अल्लाह ने आपको दिया? मैं उसको लेकर रोटी नहीं खाता। मुझे ये बता, अल्लाह ने आपको क्या दिया? अल्लाह ने मुझे इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया, मुझे रोटी दे रहा, मुझे रिजक दे रहा है, मुझे बच्चे दिए, मुझे सब कुछ दे रहा है। और अडानी इंसान नहीं है? इंसान है, लेकिन वो दो नंबर का पैसा इकट्ठा करने वाले हैं। तो पाकिस्तान में एक नंबर कौन है? पाकिस्तान में कम का तो नहीं है। अदालतों से लेकर सारे ही करप्ट है, अदालतों से लेकर सारे आर्मी में सब करप्ट है। आज यकीन माने ये तुम मौसम बन गया भी है। नहीं मैं अपनों को कब कहा कि ये दूध का चुने हो भाई? बात सुना, राहुल गांधी जीतेगा या नहीं जीतेगा? जब जब एक बात सारी नजर आती है, आवाम जो है वो देख रही है कि मोदी की हुकूमत स्ट्रॉन्ग है तो वो ही जीतेगा। लेकिन सीटें पिछली बार से देख ले रहे, इस बार ज्यादा हार गया ऑलरेडी। वो हारने से कब हार हो जाती है? हार गया ना राजस्थान छत्तीसगढ़ में। ओवरऑल जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी आपने सीटें देख लेनी है। मोदी ने पिछली बार से ज्यादा ही निकाली है। अगर पिछली बार से अगर कम कांग्रेस की निकली तो शरद नहीं निकलेगी? शरद जब मैं शरद कहता हूँ तो क्यों नहीं लगता? भाग जाता है। कब लगता आपने? मैंने कितनी बार एक वीडियो पहले मैं परसों की थी, मैंने कहा था आपने शरद नहीं लगाई थी। अब तो शरद नहीं लगानी, देख रहे हो राहुल गांधी की सीटें ज्यादा ही होगी पिछली बार से ज्यादा। अच्छा, तो बीजेपी बता, सारी बात छोड़ दे, पाकिस्तान का मुसलमान डरा हुआ या हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ? दोनों धर्म डरे हुए। इधर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसका खौफ है, उधर आरएसएस जो उसका खौफ है। चलो उनके ऊपर खौफ नहीं था कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने उचित कांग्रेस का कोई खौफ नहीं था। कांग्रेस को तो इन्होंने ठोका हुआ है, मुझसे सीधी बात न करवाए। मुझे सीधी बात न करवाने में कांग्रेस की बात, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, वो कौन था, वो किसने मारा, किधर गए? इंदिरा गांधी को तो सिखों ने मारा, सिखों ने मारा तो महात्मा गांधी
सिक्को ने मारा है, सिक्को ने मारा है, बकवास रहे का सिक्को ने नहीं मारा, और किसी ने मारा कि आज जो कांग्रेस है वो जालिम नहीं थी, उसकी कोई तनकीद नहीं की, उसने कुछ अगर कांग्रेस अच्छी घुमड़ की होती तो मोदी भी चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट न होती, मुश्किल वक्त मिला होता ना, तो फिर मैं देखता इसको तो मिली थी गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावट मिलेगी मोदी साहब, ये मानना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं थी, न करना था, न इतनी बेरोजगारी थी, हाँ ये था जो मोदी ने आके किया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई है, ये इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत थी, मोदी ने कर दिया, वही तरक्की, जब एक ग्राउंड बन गया तरक्की की तरफ कंट्री चल पड़ा, उस वक्त सत्या क्यों खो दी, किसने, कांग्रेस ने, तो कांग्रेस जो 9 साल उसने घूमत की उसकी खत्म होगी, उसकी घूमत इसके 9 साल खत्म हो रही है, बीजेपी का आगे भी यही आएगा, तो क्या कांग्रेस की गाली दो दो बार आए, कांग्रेस ये भी बड़ी बात नहीं है, बीजेपी से कुछ लेना है या इसने कांग्रेस से कुछ लेना है, खुदा का नाम है भाई, बात तो इतनी है, हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है, दिख रहा है हुकूमत मोदी जी की आई, भाई साहब किसी तरह ये आएगी, मणिपुर में इलेक्शन नहीं हो रहा, मणिपुर में इलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आवाम के दिलों में नफरत है मोदी के लिए, मणिपुर में मोदी के लिए आवाम के दिल में नफरत है, उसकी अपनी जुबान है, जिस तरह मर्जी वो कहता है, काला धंधा जिस तरह मर्जी वो कहता है, उसकी अपनी जुबान है, मौलवी जो मर्जी करता है, इस तरह उससे ले लो, काला पानी का मतलब ये था कि वो खतरनाक गंदी सजा के लिए, सजा के लिए ना कि बंदा ना बंदे की इधर कोई सिचुएशन नहीं, बंदे को बहुत है ऐसी बात तो मत कर, लेकिन भूखमरी का आलम है उस जबरे में, अच्छा मुझे बीजेपी से जब यूसुफ भाई बोल रहे थे मुझे बीजेपी से क्या लेना, मुझे भाई साहब लेना है, अच्छा क्या लेना है, जालिम वो नहीं है जो किसी के ऊपर जुल्म ढाता है, अच्छा सबसे बड़ा जालिम हुआ है जो किसी इंसान को गलत ट्रैक पर लेकर जाता है, जैसे मुसलमानों को उन्होंने भाई साहब गलत ट्रैक पर लेकर गए, पिछले ट्रेनर और सारे आज भाई साहब मुसलमानों का मुसलमानों के लिए मोदी साहब का नारा है, भाई एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, भाई वो सियासत है, वो कुर्सी का नारा है, और क्या वो सियासत और कुर्सी का नारा, ये दीन का टच है, ये मजहब का टच है मोदी का, चलो ये मोदी जब सिक्को के पास जाता है गुरुद्वारे में जाकर किस तरह एक्टिंग करता है, ये भाई जरूरी है हर अधिकारी होती जब एक मिनट जब हम एक बात मेरी बात अक्सर मोदन तार क्या कहते हैं, वो इमरान खान तो मत भी टच दे रहा चीज की खातर कहते हैं कि नहीं कहते, मोदी भी जब सिखों की तरफ जाता है मत भी टच देता है, हिंदुओं में जाता है मत भी टच देता है, ईसाइयों में जाता है मत भी टच देता है, ये टच किस लिए होता है, कुर्सी के लिए, अच्छा अब बताओ इमरान खान को कहते मजबी टच वो गलत हो गया, मोदी दे मजबी टच तो वो ठीक हो गया, क्या बात है आपने दे रहा, क्या बात है आप, तेरा दिमाग नहीं सही, नहीं तेरा दिमाग, तू इंजीनियर है, तू साइंसदान हो गया, पाकिस्तान की जवाब तो दे, बात करता हूँ इमरान खान दे टच तो गलत, जवाब मोदी दे टच तो वो ठीक, जवाब वो कुर्सी का लालच नहीं, इमरान खान को कुर्सी का लालच आ गया, क्या बात है आपकी भी, बड़ा लॉजिक है आप दोनों के पास, अच्छा लॉजिक सुन तो ले, क्या बात है तेरी, अच्छा कुरान वाले ने मदरसा के स्टूडेंटों के पास आ रेडी है और उनको पूछ लेना कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, उनको ये तो पता नहीं होता, किसको मदरसा इंडिया में, हां अरे बात नहीं पता, कई वीडियो देखी है हमने, ये कई वीडियो छोटे छोटे हफ्तों को पता होता है उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, यही तो बात है कि वो उनको सारा, अगर इस तरह होता क्यों मदरसा बनने दिए, मदरसों का जो इनको इतनी मुश्किल लगती है, ये कहते पाकिस्तान में मदरसों में जाति पैदा होते, फिर इंडिया में मदरसा क्यों बनने दिए, क्यों बनने दिया मदरसा, बंद कर मदरसा, उन्होंने हक दे नहीं, मदरसों को बंद कर, पाकिस्तान के मदरसों को कहते हैं जाति पैदा होते,
वो जहाज निकाला जाता है, फिर इंडिया में मुद्रित होकर इजाजत क्यों दी? क्या उधर जहाज नहीं होता? क्या उधर मुद्रित जाति पैदा नहीं होता? मेरी बात बातें करते हैं, इंडिया की बात हो जब सच हो जाती है, पाकिस्तान की तरफ झूठ हो जाता है। तेरी तो तू भी जाती है फिर हिम्मत रखी कर हिम्मत। अच्छा वो मदरसा बंद कर देना, तुम्हारा मुसलमानों ने इधर भड़क करते आए दिन निकल जाते हैं। अच्छा मैं इसको समझाता हूं, वो दुख है समझाएगा मुझे, मकसद ये है मेरा टीचर तू मुझे समझाएगा। दुनियादारी के साथ चलने की कितना पूछी काल मुझसे नहीं होती, मेरे पास ना सड़क में ना तौलिया है, मेरी तो जबान थी नहीं चलती है, मैं कोई तौलिया सड़क नहीं रखा हुआ। मेरे कहने से मोदी जा रहे हैं, हुकूमत हारेगी नहीं ये मेरे कहने, मेरा हक की मतलब नहीं, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं है, खुदा की कसम मुझे मुद्दे का कोई लेना देना नहीं, मुद्दे अच्छी हुकूमत कर रहा मैं खुश हूँ, लेकिन राहुल गांधी हार गए मुझे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं उससे मुझे। ये इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया की सियासत, इंडिया की जमहूरियत है, ये इंडिया की आवाम जाने या इंडिया जाने मुझसे मुझे कोई लेना देना, चाहे सुनी भी करना कोई लेना देना नहीं। क्या लोग बच्चों को लैपटॉप भी दें, क्या आप दुनिया की तालीम भी? अच्छी बात है, मैंने कब इनकार किया इस पे? तो कहे तो ये कब मैंने इनकार किया, लैपटॉप ना दो तालीम ना दो। मुझे भी मौका दो, मैं भी इधर बैठा हूँ। अच्छा पाकिस्तानी मदरसे जितने भी हैं, किताब उन्होंने हाथ में रखी, पाकिस्तान की तरक्की हुई नहीं ना हुई? अगर ये इमरान खान बोल देता भाई साहब एक हाथ में किताब रखो दूसरे में लैपटॉप रख दो, आपकी तरक्की होनी चाहिए या नहीं? अच्छा तू मुझे एक मुझे लफ्ज़ बता दे, जब इमरान खान ने कहा थे तू पर बात ना की हो, तालीम के ऊपर बात ना की हो इमरान खान ने, मैं तुझे इमरान रियाज एंकर की छुटा छोड़ने में किसी एक की वजह से ही होता है वो, अगर बोले या ना बोले जो हो रहा है वो लीडर के कहने के ऊपर। लीडर ये जो हॉफ है ये लीडर की वजह से इंडिया में है, ये जो इंडिया में, इंडिया में इस बात पे आ जा, जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख पे ये खौफ है ना हिंदुओं के अलावा, उनके ऊपर ये लीडर का ही खौफ है, उस तंजीम का ही खौफ है। अच्छा, तो इंडिया में खुल के मीडिया पे बात नहीं बात करती क्यों? अच्छा, उनको पता अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा बुरा अंजाम होगा। इसी बात पे जैसे मेरे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वहां के साथ, इस तरह मोदी की तंजीम भी करती जो मोदी के खिलाफ बोलेगा। अच्छा बात सुन, अच्छा जो पाकिस्तान खुल के नहीं बोल सकती। अच्छा बात जवाब भी दे, जो इमरान खान के दौर में भी होता रहा जो हिंदू बच्चियों को उठा कर कन्वर्ट किया जा रहा था, तो इमरान खान का क्या काम था? अदालतों में उसे पकड़ो और अदालतों में ले जाओ, अदालत अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, इंसाफ नहीं कर रही, दोगला बंदा है, इंडिया की अदालतें इंसाफ कर रही है ना? और बाबरी मस्जिद का वाक्य आया, वो बुर्के का वाक्य आया इजाम का, अदालतों ने इंसाफ किया, वहां मान गई ना? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जरदारी का केस क्या अदालतों में? पहले बोलता अदालतों में क्या क्या हुआ? इंसाफ नहीं हुआ? वो यार उस मुल्क में क्या आप सोच सकते, कैसी सोच आपकी? जो बंदा चोर डाकू डकैत सब कुछ है वो ही एफ आई ए, वो ही नैब, वो ही अदालत, उसका इस्तेमाल कर रही डाकू का, वो डाकू छह साल बाद आया इधर अदालत के कहने वापस नहीं आया, अब वो आया उसका इस्तेमाल हो रहा है नवाज शरीफ का, उन अदालतों में क्या क्या कहना क्या चाहता है इमरान का लीडर? कहना क्या चाहते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर भुचू मुचू का बना हुआ था उस वक्त, वो आर्मी के तहत जो है आर्मी के साथ आया था, आर्मी के साथ आर्मी की बात मार के नहीं आना चाहिए था, वहां उसको वैसे भी चाहती थी, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था, उनकी कमांडर जो थी उसने गलत गाइड किया उसको, और वो चलता गया और उसको ये दिन देखना पड़ा कि कुर्सी का उतार दिया गया। अच्छा, ये गलत पॉलिसी उसकी कमांडर ने दी थी, कमांडर ने तो वो साथ बात उसको नहीं, इंसान गलती से सीखता है, इंसान गलती से ही सीखता है। तो फिर अब हुकूमत आएगी ना, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आएगी, सही हो जाएगा। हाँ, अब एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी,
उसकी अपनी सोच होगी, किसी वजीर कबीर की मान के हुकूमत होगी और वो सदर पाकिस्तान होगा, उसकी ही बात मानी जाएगी। अदालत उसके नीचे होगी, एस्टेब्लिशमेंट नीचे होगी, नायब एफ आई उसके नीचे होगी, टोटल इदारे उसके नीचे होंगे। बोलना पहले नहीं बोलते, क्या कर लोगे, जो करना है ना पहले करके फिर बोलते हैं। अब आप तो करके दिखा रही है, क्या कर रही है? अलीपुर चक्कर में क्या हो मंगलवार के साथ उन्होंने एन खड़ना है क्या? अतः तारण के साथ अपने क्या हुआ? ओए अफजल अली, अफजल अहमद ने यह जानता, अफजल भरवाना अहमद ने जानते उसके साथ क्या हुआ? तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ? बताओ उनके साथ क्या आपने किया? क्या बुरा किया? क्या ये अवाम वोट के वोट से ताकत से देगी नहीं जवाब कभी भी ना। अच्छा, इस बार अच्छा, कभी नहीं अच्छा, इस बार ही होगा। अच्छा एक सवाल का, और दुनिया तुझे पता है कि सवाल का है, तू अच्छा, भूला हुआ है। इमरान खान के दौर में ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन का बजट कम करके डिफेंस का बजट बढ़ाया गया हो, हुआ है कि नहीं हुआ? तो भाई इस वक्त कौन स्ट्रॉन्ग था? प्राइम मिनिस्टर नहीं, तेरे मुल्क में कभी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो तो कठपुतली होती है, उनका एक वादा था, वादा थे बाजवा था, फिर बन गए वो, फिर गया कुर्सी का लालची। बाजवा ने कुरान को पढ़ा था कि वो बगैरत का बच्चा, लालची बेगैरत, वो मुकर गया, उसने वादा किया था। ठीक है भाई, ये मानेगा नहीं, अपनी गलतियां नहीं मानी, अपनी गलती। ठीक है बाकी भाई साहब, बीजेपी की हुकूमत ने अच्छा काम किया और वो कर भी रही, और ये जो कह रहे हैं मुसलमान डरे हुए नहीं भाई, मैं भी कहता हूँ मुसलमान खुल के नहीं बोलता भाई साहब, दर्शन करवा दे नहीं डर तो करा दे, करा दे मणिपुर में। कैसे इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा? उधर खौफ आ गया, उधर फोर्टी इशू बढ़ गया है, तब फोर्टी इशू बनाया किसने, किसकी हुकूमत की रोकड़ा, जिसका आप काम बनता था, क्यों नहीं रोका मणिपुर का मसले, क्यों नहीं रोका? कंट्रोल करना होता इतने में कर लेते, इतने में बीजेपी, इतने में कर लेती, क्या कंट्रोल करना? उसकी छोटी सी स्टेट है, उसका छोड़ उधर चलो कुछ ठीक। कश्मीर क्या बिगड़ा, कश्मीर में कैसे कर ले कंट्रोल? इतने सालों से बिगड़ा हुआ कश्मीर का कैसे बीजेपी ने ठीक कर लिया है? पाकिस्तान कोई बंदा आवाज नहीं उठाता, पाकिस्तान क्यों? उधर उन्होंने कानून नाफज कर दिया है, हर बंदे को हकूक दे रहे हैं, इसलिए आवाजें नहीं उठती। तो यही सोच रहा, उधर मुसलमान ही नहीं है तो मणिपुर में होने दो, तो हो जाएगा पाकिस्तान तो भाई। बीजेपी कश्मीर में लाचिन क्यों उन्होंने जीते? आवासी साहब क्या कर रहे हैं? आवासी साहब ने असेंबली में क्या कहा था? दूध का दूध पानी का पानी, होने दो अवाम का हाथ, होने दो अवाम किसको बोलो? दो हजार चौबीस में इलेक्शन होने तय हो चुका है, हो चुका है, उन्होंने सीटें भी मुकर्रर कर दी है। ठीक है भाई, अपनी राह रुकता है कमेंट सेक्शन में। वैसे भाई साहब कांग्रेस राहुल गांधी अच्छे इंसान है, मुझे बिल्कुल अच्छे इंसान है, एक अच्छा लीडर और पढ़ा लिखा इंसान है, सारी उम्र तो ज्यादा करते आ रहे, बुरा भी है नहीं है, वो नहीं है अच्छा इंसान है, मोदी भी हमारे बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। अगर ना वैसे कंपेयर करें ना, तो एक होता है ना बंदा जो दिल को अच्छा लगता है, राहुल गांधी मुझे पीएम मोदी से ज्यादा अच्छे लगते हैं, पसंद है। जो पसंद है क्या होता है भाई साहब, लोग जो चुन रहे हैं जो कंट्री के लिए अच्छा चला रहे हैं, वो भाई अंदर तो कंट्री वो अच्छी चला रहे हैं, अवाम इसीलिए उनको सपोर्ट करती है। राहुल गांधी कभी भी ये इतना नहीं, खौफ है, खौफ है, खौफ है। चलो जी, खौफ मैंने देखा जम्मू कश्मीर की इंटरव्यू में, मैंने देखे, मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखे, मैंने खालिस्तान में, पंजाब में भी मैंने देखे। ठीक है भाई, मिलते रहे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह।